हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स किस तरह से आज की ट्रेडिंग रहने वाली। मॉर्निंग में आपके साथ मैंने कुछ कंटेंट शेयर किया था कि किस तरह से प्राइस एक्शन बनते हुए कोशिश कर सकते हैं। तो उस बेस से अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो नीचे की तरफ थी उसको इसने रिस्पेक्ट किया है। मैंने बीच में आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि 71,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखते हैं क्या कंटेंट है जो भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए दिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वर्ड को मैनेज करने के साथ ही इसमें एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यू को पोस्ट करता था, ये रील के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किया था क्या कंटेंट इसमें बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आप रील में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कल जो करंट कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है उससे पहले जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, अगर उसको आप देखते हैं तो ओपनिंग होने के साथ में धीरे धीरे करके 71,922 का लेवल ये बनाता है और हमारा टारगेट था 71,800 का। तो ये प्रीवियस डे का जो इसने लो बनाया था, अगर आप देखते हैं इसको ये क्रॉस नहीं किया है। आप वीडियो में जाकर क्लियर कट मेंशन मैंने किया था, आप देख सकते हैं। इसी वजह से मैंने 800 के लेवल आपके साथ शेयर किया था कि 800 को अगर ब्रेक करेगा तो आपको फिर नया लो छोटी छोटी कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी यहाँ जो कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एक थोड़ा रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, क्योंकि इसमें जो मूव होना था लगभग इसने 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूव ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ से इसको नीचे जाने में अभी भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, चांसेस इसके यहाँ से थोड़े से ऊपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो हमारे लिए पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो लगभग 750 का लेवल रहेगा 600 के ऊपर निकलने पे। उसके बाद में फाइनली जो हमारा अपसाइड का था ये रहेगा, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग का प्लान करें। दोनों कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है और ओवरऑल जो आज की हायर साइड की ट्रेडिंग हुई है, जो इसने ओपनिंग किया था अगर उसको आप देखते हैं, लगभग इसने 700 के लेवल के आसपास ओपन किया है। अभी ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे अगर ऊपर भी निकलता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ फेस करने वाला है। बहुत ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन होने के बाद में हो सकता है आपको एक नया लो भी देखने को मिले, लेकिन कंडीशन बहुत ही क्रूशियल बनी हुई है, डिसाइडिंग मूव होने वाला है, उसके लिए आप अलर्ट में बने रहें। नेक्स्ट अगर हम 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर में अगर ईएमए का यूज़ भी देख रहे हैं तो वहाँ भी एक छोटा सा कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रहा है डाउन साइड के लिए और लगातार लोअर लो का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कैंडल भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ये लगभग सपोर्ट के आसपास बन रही है और ऊपर इसका जो बेस बनाने की कोशिश करेगा उसके बाद में 700 का लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा और उसके बाद में मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो फाइनली अभी आज का जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ा 700 लेके 71,800, ये दो रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बेस मान के चलना पड़ेगा। अगर आपने कमेंट जो किया था कि डॉलर इंडेक्स और सिल्वर के क्या एक दूसरे के लिंकेज रहते हैं, तो जनरली अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों एक दूसरे के कुछ हद तक अपोजिट में चलते हैं, लेकिन दोनों को अगर आप एक साथ लेके चलते हैं, साथ में कॉमेक्स को ले लेते हैं, तो आपका थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो नीचे निकलता है तो यहाँ से हमें थोड़ा सा एक पुल बैक मिलने की कोशिश हो सकती है। बाकी डिटेल में वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आने वाले दिनों में। अभी आप यहाँ पे इस जो बेस को इस क्रिएट कर रहा है इसको आप देखिए, वॉच करिए और थोड़ा सा पुल बैक आता है तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसके लिए स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा। अगर बाइंग साइड जाते हैं तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ेगी। 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई नहीं ट्रेड करता फ्रेंड, मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर कर रखा है पोजिशन साइज के, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी के लिए आप अगर 50% भी ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहीं पर हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ट्रेंड बनाने की कोशिश किया था, लेकिन फाइनली अभी ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है ये कि यहाँ से एक डिसाइडिंग मूव करने के लिए रेडी है। 72,000 के जब तक ये ऊपर बना हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं फेस होने वाली है, लेकिन अगर 72 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होने लगता है तो आपके लिए फिर नीचे का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे हमने वीकली एनालिसिस में आपको सारी कंडीशन डिटेल में शेयर किया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशन होने वाली है। फाइनली 700 से लेके अगर ऊपर भी जाता है तो 700 इसको क्रॉस करना थोड़ा सा इतना ईजी नहीं होगा, अगर नीचे निकलता है तो हमारे लिए एक अच्छे मूव देखने को मिलेंगे 800 के नीचे। तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना है। अभी की कंडीशन जैसी बनती हुई दिखाई पड़ रही है इस बेस से हम इसी का हायर और लोअर साइड में देखेंगे। एक पोजीशन ऐसा रखना आप कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो,
अगर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक अपसाइड रैली थोड़ी सी पॉइंट के लिए यहाँ देखने को मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं, देखते हैं कैसे सेंटिमेंट रहेगा। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।